हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं कूलिंग टावर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का कूलिंग टावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि कहाँ पे हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर यूज करते हैं और कहाँ पर हम फोर्स्ड ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर का यूज करते हैं। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले हम बता दें कि जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर था वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला था इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जो फैन की जो लोकेशन है, उसी फैन के लोकेशन पे ही हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, कौन सा फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। दोस्तों, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है, फैन लोकेशन एट द टॉप ऑफ द कूलिंग टावर। जो फैन की लोकेशन है जो वो क्या कहाँ पर होगा दोस्तों, टॉप पर होगा। किस में? इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में। जबकि फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में फैन लोकेशन एट द बॉटम ऑफ द कूलिंग टावर। वहाँ पे जो फैन लोकेशन है, ये ब्लोअर है, ब्लोअर से हम जो है जो एयर, यहाँ पे फैन का मतलब जहाँ से एयर का सोर्स है, एयर भेजने का जो सोर्स है, वो ब्लोअर से हम कूलिंग टावर के बॉटम में लगा रखें। तो ये है दोनों का मेन डिफरेंट। जो एफ डी फैन है इसमें जो एफ डी फैन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में हम जो है एयर जो देंगे वो नीचे से ब्लोअर के माध्यम से देंगे, और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में जो है हम जो एयर खींचेंगे वो ऊपर से टॉप, यहाँ पे फैन लगा रहेगा टॉप पे। तो ये दोनों का डिफरेंट है, ये आपको हज़ार बार आपने सुना या समझा होगा। अब बात करते हैं कि कहाँ पर हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट लगाते हैं, कहाँ पर हम फोर्स ड्राफ्ट लगाते हैं। दोस्तों, मैंने आज तक जितने भी स्टडी की कहीं भी, तो उसमें बस एक ही रीजन निकल के आया, वो आया दोस्तों एरिया का। एरिया सबसे मस्ट जो है, एरिया है कि एरिया से ही हम बता देंगे कि कहाँ पे हमें एफडी लगाना है, कहाँ पे हमें आईडी लगाना है। दोस्तों, आप समझो, सबसे पहले आप थोड़ा सा समझो कि फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में आपका ब्लोअर कूलिंग टावर के नीचे लगा होता है यहाँ पे, और सपोज करो ये कूलिंग टावर है और यहाँ पे एरिया, इस सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, सपोज करो यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, मतलब उसके आसपास या कोई बड़ी मशीन है या किसी भी तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, इधर की कॉम्प्लिकेटेड एरिया है जहाँ पे आपको सक करने के लिए एयर ही नहीं मिले, क्योंकि ब्लोअर को सक करने के लिए सराउंडिंग में एयर चाहिए, तभी तो ब्लोअर सक करेगा और इधर भेजेगा, कूलिंग टावर में भेजेगा। तो जब ब्लोअर को सक करने के लिए जब एयर ही नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सराउंडिंग जो एरिया है वो कहीं बिल्डिंग है, तो कोई छोटे छोटे इक्विपमेंट है, तो कहीं ट्रांसफार्मर लगा है, तो कहीं कहीं कोई घर बना है, मतलब सराउंडिंग एरिया अगर बहुत कंजेस्टेड है जहाँ पे एयर जो है नहीं मिल सकती ईजिली, तो वहाँ पर आप फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर से हम सबसे पहले एयर को सक करते हैं, तो जब एयर, जब सराउंडिंग में एयर रहेगी ही नहीं, एयर के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं है, तो जब वो एयर खींचेगा ही नहीं तो वो भेजेगा क्यों। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हम फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर का यूज न करके हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर का यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो फैन की लोकेशन है वो टॉप पे कर देते हैं, और इसमें हमारा जो फैन होता है दोस्तों वो क्या करता है कि जैसे वो चलेगा तो वो वैक्यूम क्रिएट करेगा, यहाँ पे बॉटम के साइड में वैक्यूम क्रिएट करेगा, यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है लो हो जाएगा, और आप जानते हो यहाँ पे हमारा प्रेशर वन एटमोस्फेरिक, बॉटम में हमारा वन एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mmHg। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा वैक्यूम स्टार्ट होता है, तो जैसे हम मैकेनिकल जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर का यहाँ पे जैसे हम फैन लगाएंगे, फैन की स्पीड बहुत तेज होगी, वो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेगा और तेजी से एयर जो होगी खींच के जाएगी ऊपर की तरफ, और तेजी से जब जितनी एयर जाएगी खींच के उतनी इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो जो विंड स्पीड है, एयर की जो स्पीड है, विंड स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन से, तो वो तेजी से उसे कूल करेगी, जो वार्म वाटर है जो आ रहा है उसे वो कूल करेगी। तो सबसे पहले जो है, अगर चुनना है कि कहाँ पे आपको एफडी यूज करना है, कहाँ पे आईडी यूज करना है, तो सबसे पहले आप आंख बंद करके देख लो कि जो जहाँ पे हमें लगाना है, तो क्या वो सराउंडिंग एरिया में
बहुत कंजेस्टेड है, बिल्डिंग बिल्डिंग है या कोई अन्य इक्विपमेंट वगैरह लगाए हैं जो एयर को ट्रैप करके रखा है, वहाँ पे प्रॉपर एयर मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, तो वो मेन है आपको FDO ID चुनने का। उसके बाद तो सारे टेम्परेरी हैं, जैसे कूलिंग ड्यूटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो वहाँ पे ID फैन यूज करो, क्योंकि कूलिंग वाटर जो है ID फैन जो है एक छोटे से कहीं भी ऊपर, जैसे यहाँ पे ID फैन लगा दो तो ID फैन तेजी से एयर को सक करेगा, और एयर को सक करेगा तो विंड स्पीड बढ़ेगी, ज़्यादा अमाउंट में विंड कंटेक्ट में आएंगे और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, जिससे आपको कूलिंग ड्यूटी अच्छी मिलेगी। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो जो फैन, मोटर, गियर बॉक्स और ब्लेड जो होते हैं एफडी या आईडी फैन आईडी में, तो उनकी जो पावर है, उनकी पावर के कैलकुलेशन हमने की थी, तो जो जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर्स होते हैं तो उनकी जो है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हुई या ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगी वो कम होगी दोस्तों। ऑपरेटिंग कॉस्ट आईडी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की कम होगी, जबकि फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर की ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके जो ब्लेड है, गियर बॉक्स है और मोटर है और फैन है बहुत छोटे होते हैं, लार्ज उतनी पावर ये नहीं कंजप्ट करते, इसलिए आईडी फैन की इंड्यूस ड्राफ्ट टाइप की जो है पावर है वो कम आएगी, पावर कास्ट कम आएगी। नॉइस लेवल की बात करें तो आईडी फैन में नॉइस लेवल ज़्यादा होती है, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में कम होती है। आइसिंग की प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कि जैसे ये ब्लोअर, जैसे ये फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर का अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे ब्लोअर है, तो ब्लोअर जैसे सक करेगा सराउंडिंग एयर को और यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, तो ब्लोअर के पार्ट पे क्या होगा, आइसिंग होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे एक वेंचुरी इफेक्ट काम करता है। वेंचुरी इफेक्ट कैसे काम करता है वो मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है ब्लेडों पे आइसिंग होने लगती है, इसके मतलब फैन पे आइसिंग की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट की अगर आइसिंग प्रॉब्लम देखें तो इस पे, जैसे ये है, इस पे आइसिंग होने का कोई सवाल ही नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ से तुम जो ड्राई एयर इन होती है और जो है अपने साथ हॉट मोस्ट वार्म मोस्ट एयर को लेके आउट होती है, तो वो वार्म एयर उस पे लगती रहती है, तो वहाँ पे आइसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लास्ट है हमारा रिसर्कुलेशन प्रॉब्लम। रिसर्कुलेशन प्रॉब्लम जो है किसमें सबसे ज़्यादा आती है दोस्तों? जो FD फैन में सबसे ज़्यादा रिसर्कुलेशन प्रॉब्लम आती है, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में रिसर्कुलेशन प्रॉब्लम बहुत अधिक आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में यहाँ से हमने जो ड्राई एयर भेजा वो क्या कि वाटर पार्टिकल को लेके बाहर आई और फिर वहीं से ये सराउंडिंग होकर फिर इसी में फिर सक्शन मिल गया इसको, और फिर यहीं जो है जो ह्यूमिड ह्यूमिड उससे अगर आप एग्जांपल दे दो ह्यूमिड एयर को, ह्यूमिड एयर बार बार इधर सक हुई, फिर मतलब सर्कुलेशन उसका चलता रहेगा। आपको रिसर्कुलेशन समझना है तो मैंने इसके लिए अलग वीडियो बना रखी है, आप रिसर्कुलेशन क्या होता है उसमें आप देख सकते हो कि रिसर्कुलेशन प्रॉब्लम क्या है, उसमें अच्छे से समझाया हूँ। इसमें चूंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो यहाँ पे मैं बना के नहीं दिखा सकता, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा है, आप कूलिंग टावर में उसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये रिसर्कुलेशन प्रॉब्लम दोस्तों FD में, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम मैंने सारी बता दी, एक एक डिटेल बता दी। तो जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन रखना है वहाँ पे आप इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर का यूज करोगे, और जहाँ पे खूब सराउंडिंग एरिया खूब ज़्यादा है, खूब एटमोसफेयर में कोई ज़्यादा वो इक्विपमेंट नहीं है, बहुत इजीली एयर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे आराम से सक कराओ एयर को और इसमें फीड करो और विंड स्पीड बढ़ाओ, और उसकी वजह से ऑपरेशन ज़्यादा वाटर पार्टिकल का होगा और आपको कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। तो एक तरह से एक छोटा सा अवेयरनेस मैंने आपको बताया कि कहाँ पे नेचुरल और कहाँ पे सॉरी कहाँ पे इंड्यूस ड्राफ्ट टाइप और कहाँ पे फोर्स ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।